शर्मा, आई एम पेशेंट वेलफेयर इंचार्ज सीकेएस हॉस्पिटल। आज मैं आपको एक हैप्पी पेशेंट की स्टोरी सुनाऊंगी। आइए मेरे साथ। शी इज हेलो प्रज्ञा मीना देसाई। आई एडमिटेड ऑन 5th। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। मैं जब आई थी बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरा सिचुएशन कब था मुझे सारे सिम्टम्स थे, पर यहाँ पे सारे नर्सिंग स्टाफ भी बहुत सारे बहुत मेरी हेल्प कर रही है। सारा स्टाफ बहुत ही केयरिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं डॉक्टर पंकज जोशी के अंदर में हूँ और अब मैं काफ़ी बेटर हूँ, पूरा मैं सही होकर यहाँ से जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा केयरिंग फैसिलिटी, सारे स्टाफ बहुत ज़्यादा सब बहुत अच्छे, मेरी बहुत अच्छे से केयर कर रही। मेरे फादर भी और सिस्टर भी, वो भी 2 दिन पहले डिस्चार्ज हो गए, उनको भी बहुत अच्छा यहाँ पे केयर मिला, हर चीज़ बहुत अच्छी मिली। थैंक यू सो मच सीकेएस हॉस्पिटल एंड ऑल नर्सिंग स्टाफ। ये तो था हमारा पेशेंट का स्टोरी। अब हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इनको ट्रीट किया है, वो भी इनके बारे में कुछ बताएंगे। जी मैम बताइए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर केरल। पेशेंट की स्टोरी तो आप सुनी चुके हो। पेशेंट की कंडीशन आए थे जब बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो पेशेंट जब एडमिट हुआ यहाँ पे तो पेशेंट का सेचुरेशन बहुत कम था, 85-86 सेचुरेशन था इनका। हाई फ्लो पे पेशेंट आया था हमारे पास, हाई ब्लड फीवर करके आया था, वोमिटिंग करके आया था। वोमिटिंग की स्थिति पेशेंट को कंटिन्यूसली 2-3 डेज से थी। तो पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ डॉक्टर पंकज जोशी के अंडर। तो पंकज सर ने इनको बहुत अच्छा ट्रीट किया। पेशेंट पहले आईसीयू में, यहाँ पे आईसीयू में एडमिट था, फिर यहाँ पे डिलक्स में एडमिट हुआ पेशेंट, ठीक है। और नर्सिंग स्टाफ ने इनकी बहुत केयर करी। मैं कोविड टीम की इंचार्ज हूँ डॉक्टर किरण, ये मेरे ही अंडर एडमिट है। आज पेशेंट का डिस्चार्ज है, पेशेंट बहुत हैप्पी होकर यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है। अभी जो क्राइसिस चल रहा है सबको पता है कोविड का, तो आज पेशेंट ने, डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, सब ने हिम्मत दिखाई है। एक पेशेंट और जो हमारे हॉस्पिटल से ठीक होकर जा रहे हैं। हम यही बोलना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी बीमारी हो रही है तो प्लीज़ सीकेएस हॉस्पिटल या आपके किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर तुरंत अपना इलाज करें। आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू।